ਵਜਿੰਦ ਮਾਈ ਬਾਜ ਤੇਰੇ, ਵਜਿੰਦ ਮਾਈ ਬਾਜ ਤੇਰੇ, ਕੁੰਬਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹਲਾਜਲੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਹਲਾਜਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਈਆਂ ਨੀ ਬਾਗੇ ਫਿਰ ਨਿਕਦੇ, ਵੇ ਬਾਗੇ ਫਿਰ ਨਿਕਦੇ ਨਾ। काम नहीं चलेगा भाभी जी, याद है तेरी जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, साईं मेरे आवे तेरी जुगनी। आओ मुंडे ओ मेरे रल पाओ भंगड़ा, इक पैग दे दे मैनू होर लंबड़ा। शालू क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? शालू कुछ तो बताओ, हुआ क्या? व्हाट्स द प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी सर, नीचे शालू आई है सर, बहुत घबराई हुई है, कुछ ठीक नहीं लग रही। अंकल, मैं आपसे, क्या मैं आपसे, अंकल मुझे क्या बात है शालू बेटे? अंकल बोलो शालू, बोलो बेटे। अंकल मुझ में क्या खराबी है? क्यों मैं सबकी परेशानी की वजह हूँ? खास तौर पे अपनी मामा की, और वो तो मेरी मामा ही नहीं है, जिन्हें आज तक मैं अपनी मामा मानती आई हूँ, जिन्होंने मेरी इज्जत रखने के लिए मुझे अपना नाम दिया, जिनसे मैं इतना प्यार करती हूँ, वो तो मेरी मामा ही नहीं है। मेरे मामा और पापा तो 20 साल पहले एक्सीडेंट में मर गए थे। आप ही बताइए, क्या मेरा सौतेली बेटी होना मेरी गलती है? क्या ये मामा की गलती है कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूं? अंकल क्या आप ये सच्चाई जानने के बाद कि निम्मी और मैं सौतेली बहनें हैं, ये शादी तोड़ देंगे? क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूं कि आप मेरे परिवार के साथ कोई संबंध रखना पसंद नहीं करेंगे? क्या मैं इतनी खराब लड़की हूं कि मेरी मामा और दी को मेरे होने की सजा भुगतनी पड़े? अंकल प्लीज। ये मुझसे कितना प्यार करती है, क्या यही वो बच्ची है जिसे मैंने जिंदगी भर इतनी नफरत की? जो कुछ भी हुआ उसमें इस बेचारे की क्या गलती थी? ये मुझसे और निम्मी से कितना प्यार करती है। अब खन्ना साहब जो भी फैसला करे मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं तो अपनी इस प्यारी सी बच्ची को बस अपने सीने से लगाना चाहती हूँ।
जीती रहो बेटे, और तुम्हारी जैसी सौतेली बेटी पाने के लिए मैं हजार सगी बेटियां कुर्बान कर दूं। और तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, ये शादी होगी, जरूर होगी। और मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, इतने सारे लोगों के सामने तुमने अपनी हकीकत कह दी। खुश रहो। मैं अपने पापा को तो कभी ना जान सकी, लेकिन आपको देख के लगता है वो जरूर आप ही की तरह रहे होंगे। अगर मुझे अपने पापा की तरह मानती हो तो मेरी एक बात का जवाब दोगी ईमानदारी से? क्या तुमने कभी देव से प्यार नहीं किया? नहीं, देव से सिर्फ निम्मी ने प्यार किया। अंकल, मैं जल्दी से मामा को एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूं। थैंक यू देव, थैंक यू सो मच। वाह बेटी वाह, इतनी आसानी से इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। दीदी दीदी, मेम साहब आ गए। चलो बीबी कहाँ है? ऊपर है मैडम। सरिता कहाँ गई थी? अरे जवाब तो दे। मामा मामा, मैंने खन अंकल से बात कर ली है, वो दी और देव का रिश्ता नहीं तोड़ेंगी। मैं जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया, सब सुन लिया। मुझे माफ कर दो शालू, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। तू तो मेरी बच्ची है ना, मेरी अपनी बेटी। हाँ, तुम मेरी अपनी बेटी है ना, मेरी अपनी बच्ची, मेरी बच्ची। मामा, आज पहली बार आपने मुझे गले लगाया, इतनी जल्दी अलग मत करो। मेरी बच्ची, मैं तो तुम्हें हमेशा गले से लगा के रखूंगी शालू, हमेशा के लिए। तुम्हारी माँ तो कोई बहुत ही महान औरत रही होंगी, जिसने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। यकीन मानो शालू, मुझे नहीं मालूम था कि तुम और देव पहले से एक दूसरे को इतना चाहते हो। मुझे नहीं मालूम था, तुम्हें इतनी बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं शालू। मैं निम्मी को समझा लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, दी के हाथों में मेहंदी लग चुकी है और कल सगाई की रस्म है, वो टूट जाएगी। मामा, दी को देव मिल गया और मुझे मेरी माँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीदी वहां देखो, देखो
चोरी नहीं की है, तेरे संग यारा चोरा चोरी नहीं की है। कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके, इंतजार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे बात है। इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं निमी, कुछ नहीं। कुछ बात तो है, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। देखा, कितना भी छुपाओ सच्चाई छुप नहीं सकती। ये रंगीला ऐसे क्यों कह रहा है? ये किस सच्चाई की बात कर रहा है? निमी, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। हाँ, देखो निमी, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। नहीं समीर, तुमने तो मुझे ऐसे पाप से बचा लिया जिसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। शालू ने यह सब मेरी खुशी के लिए किया ना, पागल। इतना भी नहीं समझती कि जब वो देव से प्यार करती है और देव उससे, तो मैं देव के साथ कैसे खुश रह पाती। प्यार पाना सबकी किस्मत में नहीं होता। लेकिन प्यार करना तो सबकी किस्मत में होता है ना निमी, चाहे वो सपने बन के ही क्यों ना रह जाए। जब तक सपने थे अच्छे थे, अब नहीं है तो ना सही। जीना इसी का नाम है। समीर, हमने प्यार तो कर लिया लेकिन अभी प्यार का फर्ज निभाना बाकी है। तुम ठीक कहती हो निमी, अभी सब खत्म नहीं हुआ है।
आज के इस लॉन्च को और यादगार बनाने के लिए मैं आप सबको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं, और वो है मेरे बेटे की शादी सरिता जी की बेटी के साथ। कम ऑन दीप। ये क्या कर रही हो दीप? अंकल तो तुम्हारी और देव की बात कर रहे हैं। शालू, तुमने और मामा ने कैसे सोच लिया कि तुम लोगों को दुख पहुंचाकर मैं खुश रह सकती हूँ? अरे पगली, देव तो तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता है, हुँ? तो मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? नहीं दीप, वो तो अच्छा हुआ समी ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो और तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिलनी चाहिए। तुमने जो किया ठीक किया निमी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। दिल की तड़प है ये इंतजार, मोहब्बत दिल का सुकून है तुबा, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। ओ देखा है आज हमने सनम, आपकी आंखों में प्यार, मोहब्बत दिल का सुकून है तुबा, दिल की तड़प है ये इंतजार, देखा है आज हमने सनम, आपकी आंखों में प्यार, मोहब्बत दिल का सुकून है तबा, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। मोहब्बत दिल की अदा है ये इख्तियार, दिल की तड़प है ये इंतजार।
जो इस खेल में, इसमें तो हार भी है। तड़प है ये इंतजार, मोहब्बत दिल का सुकून है दुआ, मोहब्बत